तुम मुझे रिलाइज हो कि आपको पता ही नहीं था कि आप मां बनने लगे, जुड़वा बच्चे होने वाले थे, और मैं अमन जुनैद खान जिन्नात का बादशाह अपने ही बच्चों को नहीं बचा पाए। I'm sorry, रोशनी। रोशनी, मुझे माफ कर देना, मैं बचा नहीं पाया। इसका मतलब जब आपने मुझे बोला था कि सॉरी मैं बचा नहीं पाया, अब बच्चों की बात कर रहे थे। जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सब बताऊं, पर जब आपको यही नहीं पता कि आप मां बनने वाली, तो ये कैसे बताता रोशनी कि हमारे होने वाले बच्चे अब इस दुनिया में। मैं आपको सब बताना चाहता हूं, सही वक्त का इंतजार कर, पर अब समझ में आया है कि ऐसी बातें बताने का कोई सही वक्त नहीं होता। आई एम सॉरी रोशनी। नहीं, मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, और मैं ना तो आपको प्रोटेक्ट कर पाया ना अपने बच्चे को, ना ही अपनी फैमिली को। आपकी गलती नहीं है खान बाबू, आपकी कोई गलती नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने अपने बेबी को खो दिया। आपकी हर गलती मैं माफ कर दूंगी। डोंट बॉदर, आपकी कार मैं साफ कर दूंगी। वैसे अपनी कार देने के लिए थैंक यू सर। मैंने कार दी नहीं थी, तुमने चुराई थी। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मैं आपको इतनी लानती लड़की दिखती हूँ कि आपकी कार चुराऊंगी? वो मैंने आपकी कार चुराई नहीं थी, बस आपसे बिना पूछे ले ली थी। उसे चुराना ही कहते? कितनी बातें करते हैं आपसे, एक सेकंड इसको पकड़। ठीक है, मत पकड़िए। अब ये सारी बातें ना हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं आपकी कार साफ कर देती हूँ। वो गार्बेज कैन तो आइडिया। ये ऑफिशियल फाइल्स हैं। हाँ, मैं इसे साफ नहीं करने वाली थी, बस देख रही थी कि
इन हाथों से साफ करने की। सॉरी सर, ये टिश्यू है ना, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। आप ओके? बाय सर, बाय। अच्छा हुआ चला गया, तू तो आज गई थी शायरी। सोच रहा है बेटा? दादी मैं सोच रहा हूँ कहीं मैंने रोशनी को सब सच बता के कुछ गलत तो नहीं किया? बेटा सच कड़वा जरूर होता है लेकिन गलत कभी नहीं होता। उस सच के साथ जुड़े गम पर रोशनी का हक था। दर्द हमें जिंदगी देती है लेकिन उस दर्द के साथ लड़ने की हिम्मत हमारे अपने। अमन बेटा तेरी जिम्मेदारी है कि तू रोशनी के चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट लाए। समझा मेरा डोंकी फ्रॉम समवेयर? सॉरी खान बाबा, मैं शायद ज्यादा देर सो गई। रोशनी आपको आराम करने की जरूरत है और साथ साथ कुछ खाने के लिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। लीजिए। मैं अभी आई। रोशनी बाबा, पर मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। कोई बात नहीं रोशनी, जब आपका मन करेगा तब खा लीजिएगा। आइए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हेलो, जवानी स्पीकिंग। क्या? हाय सर, सॉरी सर, सर बहुत बहुत सॉरी सर। तुम्हें सुबह 7 बजे मेरे घर आना था। जानती हो अभी क्या टाइम हुआ है? 6:30, 6:45, 7। सात जब एनीथिंग बट नॉट 7 सर। 9:20 हुए हैं मैं शायरी, तुम 2 घंटे से भी ज्यादा लेट हो और तुमने अभी तक फाइल्स भी कंप्लीट नहीं की होंगी। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो मिस शायरी। प्रॉब्लम में नहीं सर, मैं ऑटो में हूँ, रास्ते में हूँ सर। अरे ऑटो वाले भैया थोड़ा तेज चलाओ। नाश्ता? तुम्हारा ऑटो वाला तुम्हें
नाश्ता ऑफर करता है। नहीं सर, वो मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ ना, तभी वो। अरे क्या कर रहे हो, गाड़ी ध्यान से चलाओ ना। सर सिग्नल पे मैं बस 5 मिनट पहुँच रही हूँ सर, 5 मिनट पहुँच जाऊंगी। हाँ सर, बाय। अरे बेटा क्या हो गया, नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं कर सकती, वरना वो रेहान खान की मूछ रैबिट की पूंछ मुझे मार डालेगा। बाय। अरे नाश्ता तो करती जाओ शायरी बेटा। थैंक यू बेटा, इसमें तो मेरा भी पराठा था।